मैं फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब, उनके बारे में आईएमए के फ्रॉड केस को लेकर के कोर्ट की अपडेट पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और रिपोर्ट आपके सामने हाजिर करूं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। जो मुझे गालियां देंगे, फोन करेंगे, मैसेजेस में गालियां लिख के भेजेंगे, ये सारी चीजें जो है अगर आप करना चाहते हैं या करेंगे तो आप अपने आप को बदनाम करेंगे, क्योंकि इस्लाम इस चीज का इजाजत नहीं देता। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो कोर्ट की रिपोर्ट है वो पढ़ करके सुना रहा हूं, मैं कोई भी इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूं। अब आप अगर बोलते हैं कि मुसलमान मुसलमान के बारे में सच्चाई नहीं बताना है, तो वो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। मुसलमान को मुसलमान से ही सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए आप जो है ये सारी चीजें जो है मुझे फ्री की एडवाइस देने के लिए फोन ना करें, ना ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालें या ऑडियो डालें। बराबर, जो हकीकत है, जो सच है, जो रिपोर्ट आई है, जो कोर्ट कह रहा है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज्यादती राय है या मैं उनको उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा हूं। इसलिए बड़े इज्जत के साथ जो है उनका नाम ले रहा हूं, मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का अपडेट, जो कोर्ट का अपडेट है आईएमए फ्रॉड केस को लेकर के, उनका रोल क्या है, कोर्ट क्या कह रहा है, वो मैं दे रहा हूं। तो आप लोग प्लीज इत्मीनान रखें, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई सियासत खेल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, चलिए अभी सीधे जो है कोर्ट की अपडेट की तरफ चलते हैं। ये रही अपडेट, ये जो है अभी हाल ही में अपडेट आई है, ऑर्डर नंबर जो है स्पेशल कोर्ट में जो केस की सुनवाई हो रही है आईएमए फ्रॉड केस को लेकर के 1055/2019, ये रिपोर्ट आप भी देख सकते हैं, मैं डेट्स भी बताऊंगा। ये हाल ही में जो है सुनवाई हुई है, नेक्स्ट हियरिंग हाल ही में जो है इसकी हियरिंग है। नेक्स्ट हियरिंग के लिए मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब को बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है, क्या मामला है, इस सारी की सारी तफसीली रिपोर्ट आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। ऑर्डर्स ऑन सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल्ड बाय सीबीआई, सीबीआई और एसीबी और बैंगलोर अगेंस्ट अक्यूज नंबर 32 एंड 33। अक्यूज नंबर 32 है हमारे जो है मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब, और अक्यूज नंबर 33 है। अक्यूज नंबर 32 कोर्ट कहता है कि मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब हैं, और कोर्ट कहता है अक्यूज नंबर 33 अल जामिया अल इस्लामिया मसीह उल उलूम, ये जो मदरसा है उसके उसको जो है कोर्ट जो है नंबर 33, A33, A32 और A33 में लिस्ट किया है। तो यहाँ पे जो हैज रिप्रेजेंटेड द सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगेंस्ट 32 एंड अलेजिंग कमीशन ऑफ द चार्जशीट द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 120 420 409 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 9 ऑफ केपीआईडी एक्ट। सेक्शन 9 के हिसाब से इनके ऊपर जो है चार्जशीट दाखिल हुई है। द कोर्ट हैज ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस फॉर द अलीज्ड ऑफेंसेस, हैज समन्ड द अदर अक्यूज्ड विद सप्लीमेंट्री चार्जशीट। इट इज अलीज्ड दैट द अक्यूज्ड नंबर 32 बाय नेम श्री शुएबुल्ला खान being the in charge and responsible person for accused number 33 madrasa masi maishul ulum education educational and charitable trust campaigned falsehood, matlab falsehood campaigned falsehood matlab इन्होंने कैंपेन किया था आईएमए के बारे में, आईएमए के बारे में जो है लोगों के सामने जो है जाकर के जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कैंपेन किया था, कि कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इंग्लिश को मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं। फॉल्सहुड मतलब झूठ,
फैलाया था। इन फेवर ऑफ अक्यूज नंबर श्री मोहम्मद मंसूर खान एंड इंड्यूस्ड सेवरल डिपॉजिटर्स टू इन्वेस्ट विद अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 16 सब्सिक्वेंटली, मतलब मंसूर खान और अक्यूज नंबर 16, या अक्यूज नंबर 16 कौन है ये हम लोग जानते हैं, जानेंगे आगे आगे चल करके जानेंगे। देखता हूँ अगर मेरे पास वो रिपोर्ट है, नहीं वो खुली नहीं है अभी, फिर भी कोई बात नहीं, बाद में लास्ट में देखेंगे उसको 16 कौन है। फिलहाल चोर मंसूर खान, हाँ आई मॉनिटरी एडवाइजरी है, अक्यूज नंबर 16 जो है आई मॉनिटरी एडवाइजरी है, बराबर। These funds were diverted for personal benefit of the accused number 32 and 33. Court कह रहा है, CBI कह रही है, CBI ने court के सामने ये report पेश किया है, जहाँ पे accused number 32 और 33, यानी कि मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब और मद्रासा जो ये चलाते हैं, इन दोनों ने अपने personal use के लिए utilize किया है IMA के पैसे, IMA के funds। ये CBI कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। The material on records reflects a prima facie case against these accused. The accused number 32 and 33, who were not connected with the affairs, the accused number 1 and accused number 16 appear to have actively canvassed for them. At the same time, there were records of monetary transactions between the accused, which also support the case of prosecution. मतलब CBI court को ये कह रही है उनकी report में, investigation report में, कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं IMA और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के बीच में और मद्रासे के बीच में जो इसके इंचार्ज हैं, ये तीनों के बीच में पैसे का लेन देन हुआ, इसका एविडेंस इसके जो है ट्रांजैक्शंस जो है देखे गए हैं, इसके वजह से इनके ऊपर केस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। एट दिस स्टेज देयर इज अ प्राइमा फेसिया केस टू शो द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 16, accused number 32 and accused number 33 towards commission of offences punishable under section 120 420 409 IPC and section 9 of KPID act. Therefore, it is necessary to summon the accused number 32 and accused number 33 before the court accordingly. मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि ये सारी चीजें जो है देखते हैं सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो है ये पता चलता है कि पैसे जो है का लेन देन का मामला हुआ था, जो मुझे पता है वो 20 करोड़ का मामला है। अब 20 करोड़ भी जो है गरीबों के पैसे हैं, अब मदरसे के ऊपर खर्च किए हैं, डोनेशन के नाम पे खर्च किए हैं, वो अलग मसला है। हाँ दीन की पढ़ाई के लिए मदरसे के लिए खर्च किए हैं वो बराबर है, लेकिन आज जो गरीब जो है अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहा है, उस पैसे से अगर किसी दूसरे गरीब की अगर पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च हो रहा है धोखे से, तो वो इस्लाम के हिसाब से भी गलत होगा। ये मेरा ओपिनियन है, वैसे मैं आलिम नहीं हूं ना ही मैं कोई मुफ्ती हूं, लेकिन एक इंसानियत और एक मुसलमान तो मेरी बात को ठुकरा नहीं सकता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा, हकीकत है वो मैं बता। तो इस केस को लेकर के ऑर्डर की कॉपी में जो है ऑर्डर ऐसा निकला है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि द सप्लीमेंट्री चार्ज शीट फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज टेकन ऑन रिकॉर्ड, इश्यू समन्स टू अक्यूज नंबर 32 एंड 33 फॉर देयर अपीयरेंस बाय 18th दिसंबर 2021। 18 दिसंबर 2021 को मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब को हाजिर होने को कहा है कोर्ट ने बताया है। तो मेरी यही अब जो है अपील रहेगी आवाम से कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम का नाम बदनाम ना हो, मदरसे का नाम बदनाम ना हो, तो मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब से बात करें और ये जो 20 करोड़ का जो लेन देन हुआ है IMA और इनके बीच में, इनको मदद करें, इनको डोनेशन दे दें और ये कोर्ट में जाके अगर पैसे जमा कर देते हैं तो ये इल्जामात से ये बच जाएंगे, मैं बस इतना ही कह सकता हूं। और वही बात, अगर मदद नहीं मिलेगी तो भी जो है मदरसे को पैसे वापस करना है, क्योंकि गरीबों का खून पसीने की कमाई थी जो उन्होंने IMA में इन्वेस्टमेंट किया था, उनकी बच्चियों की शादी रुक गई है, पढ़ाई की तो दूर की बात है, बच्चियों की शादी रुकी हुई है, परेशान हाल है,
भूखे मर रहे हैं, तो इनके इनके साथ जो धोखा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब ने जानबूझ के किया हो या चोर मंसूर खान से पैसे ले लिया इसी बात की ले लिए कि मतलब आवाम को धोखा हो, ऐसे नहीं कह रहा हूं। अनजाने में गलती हुई है, ठीक है, लेकिन जाने अनजाने में तो हुई है। तो इस सूरत में ये पैसा जो है कोर्ट में जमा करके गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसके बारे में, मैंने मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब से रिक्वेस्ट भी किया था, वीडियो में अपील किया था कि अपने मदरसे में एक काउंटर खोले और काउंटर खोल के इनवाइट करें डोनेशन के लिए और लोग डोनेशन देंगे। वक्त जो है अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ये मैंने वायदी थी, तभी अगर आपने ये अगर कर लिया होता और लोगों से डोनेशन लेकर के 20 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा कर लिए होते तो आज ये केस इतना स्ट्रांग नहीं होता, इतना एविडेंट नहीं होता, आपको इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी इसकी इसमें नियत क्या थी। जहां तक मैं जानता, हो सकता है कि आपने जो है एजुकेशन के पर्पस के लिए पैसे लिए हो सकता है कि आप अपना पर्सनल यूज के लिए नहीं लिए, लेकिन कोर्ट कानून ये सारी चीजें जो है इन चीजों को नहीं देखता है। इससे भी बड़ी बात, इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो धोखे से लिया गया पैसा, चाहे वो डोनेशन हो या कुछ भी हो, वो धोखा ही है। तो धोखे से जो आपको डोनेशन दिया गया है उसका पर्पस जो है वो सही इस्तेमाल नहीं होगा, ये मदरसे के लिए भी एक ब्लैक रिमार्क होगा। इसलिए आप मेरी बात को गलत ना लेते हुए आपसे गुजारिश है कि आप कैसे भी करके कोर्ट में 20 करोड़ रुपए का जो मामला है उसको निपटा दें और कोर्ट में जमा कर दें ताकि गरीबों का इसमें फायदा हो। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा और लोगों से भी मैं यही बताऊंगा कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने, और भी बहुत चीजें आनी है, मैं लेकर आऊंगा। सबसे बड़ी बात जो है, आप जो है अंधा भरोसा किसी पर भी करना ठीक नहीं है। आज का माहौल, आज की दुनिया के ऊपर भरोसा जो है करना इतना आसान नहीं है। और खासकर जो है आजकल जो चल रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जो हमें दिखता है वो सच नहीं। आप कोई भी हो, आपसे मैं यही बताता हूं, पहले आप अपने तरफ से सोचिए कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, कोई भी कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, अगर कोई कुछ कह रहा है आपको, या मैं छोटा आदमी मैं भी आपको कुछ कह रहा हूं, आप अपना भी दिमाग लगाइए, सोचिए समझिए कि कोई कुछ कह रहा है तो क्या कितनी इसमें सच्चाई हो सकती है। और मदरसे को जो 20 करोड़ रुपए चोर मंसूर खान ने दिया, इसकी मार्केटिंग तो हो गई कि डोनेशन दिया। आवाम ने जो है डोनेशन को देखते हुए कि इतना डोनेशन दे रहा है मदरसे के लिए, दीन के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, उस चीज को, उसकी अच्छाई को देख करके लोग भी जो है अपना पैसा जाके IMA में डिपॉजिट कर दिए। अब धोखा किसके साथ हुआ है, मिसयूज, गलत फायदा, भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। तो डोनेशन लेने से पहले, जो डोनेशन लेते हैं चाहे वो कोई भी मदरसा हो, मस्जिद हो या कोई भी, जब ऐसे डोनेशंस आते हैं तो इसकी मार्केटिंग ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आया, क्यों दे रहे, ये तहकीकात जरूर करना जरूरी है। तहकीकात करे बगैर अगर आप किसी ने अगर गलत तरीके से पैसे कमाए हैं और वो आपको डोनेशन दे रहे हैं, आपको इसका इल्म नहीं है, तो बाद में आप ये कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं था, तो आप भी गुनेह में शामिल हो जाएंगे। इस बात को गौर करिएगा, छोटी मुंह और बड़ी बात माफ करिएगा, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं ना मैं मुफ्ती हूं, लेकिन जो मेरी मोटी मोटी अक्ल में मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया। फिर भी मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं अगर आपके दिल को ठेस पहुंचा, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन ये चीजें लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी या आपके मदरसे से नहीं जुड़ा हुआ है मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब,
ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। कल आपके साथ जो हुआ, कल जो आवाम के साथ हुआ, कल जो IMA के इन्वेस्टरों के साथ हुआ, कल जो मुसलमानों के साथ हुआ, अगर हम इसको ऐसे ही जाने देंगे, अगर ये सच्चाई बाहर नहीं निकालेंगे, तो आने वाले कल में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते रहेंगे, ऐसे धोखे बहुत सारे होते रहेंगे, गलत फायदा, डोनेशन का गलत फायदा जो है उठाते रहेंगे। 20 करोड़ रुपए का डोनेशन देके आपको इल्म नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन जाने अनजाने में 20 करोड़ रुपए की डोनेशन दे करके उससे मार्केटिंग करके चोर मंसूर खान ने 4,000 करोड़ लूटे आवाम से। ये बात याद रखिएगा, 20 करोड़ कहां, 4,000 करोड़ कहां है, इस चीज को गौर फरमाइए। डोनेशन लेने से पहले सोच क्या है, कहां से पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये शख्स अगर मुझे डोनेट कर रहा है तो किस लिए दे रहा है, ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं फिर से माफी मांगते हुए आपसे इजाजत मांगता हूं फिलहाल के लिए, और पब्लिक से भी, मैं हमारे IMA के इन्वेस्टर्स जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, आपसे भी गुजारिश है कि देखिए, ये मैंने वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया है, ना ही किसी को बदनाम करने के लिए। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ऐसा ही हो रहा है वक्त स्कैम, वक्त बोर्ड भी ऐसा ही कुछ हमारे साथ स्कैम्स कर रहा है। वक्त बोर्ड जो है मुसलमानों के लिए एक अच्छी ट्रस्ट है जो अच्छे काम के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल वो उसका रुख जो है स्कैम्स की तरफ मुड़ चुका है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह सबूत के साथ आपके सामने वक्फ बोर्ड का स्कैम भी जो है, जो हो रहा है, जो घोटाले हो रहे हैं, वो सारी की सारी स्टोरीज आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए आपका वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। समझ लीजिएगा, सियासत और बाकी सारी चीजें जो है हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है, ये सारी चीजें समझते हुए आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सा डोनेशन लेने से पहले, फिर से अपील कर रहा हूं, कोई भी हो जो वीडियो देख रहा है, किसी से डोनेशन लेने से पहले सोच क्या है वो जानना जरूरी है, और देने वाले की नियत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने इस यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, सोशल मीडिया।